में पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा है कि देश के विकास के लिए मोदी की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प व प्रेरणा के वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने तथा सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त करने के लिए केंद्र सरकार के साथ प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास के साथ कल्याणकारी योजनाओं को गरीबों वंचितों महिलाओं असहाय किसानों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संकल्प की पूर्ति हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है जिसमें लोगों को देश की सांस्कृतिक विरासत व परंपराओं से जोड़ने के साथ शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव व राष्ट्रीय प्रेम को जगाने का प्रयास किया जा रहा है और उसको सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा रहा है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा शुक्रवार को सिद्धार्थनगर जनपद की इटावा विधानसभा के धम्मापुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत जिगना पहुँच कर वहाँ पर विकसित भारत के संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवम्बर आदिवासी दिवस के दिन बिरसा मुंडा की जन्म स्थान के विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य गरीबों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उन्हें इस योजनाओं का लाभ भी दिलाना है। इस संकल्प यात्रा के तहत गांव नगरों में पहुंच रहे मोदी जी के गारंटी वैन देश के हर नागरिक के जीवन में सुरक्षा समृद्धि और खुशहाली का वाहक बन रही है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों गांव गांव शहर शहर में करोड़ों लोगों को इस यात्रा के माध्यम से जोड़ा गया विभिन्न कल्याणकारी योजना का लाभ प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि देश के मोदी की गारंटी के अलावा कोई और गारंटी नहीं चलेगी। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार अभी पिछली सरकारों द्वारा किए गए गड्ढे कर रही है लेकिन भारत की आजादी की सभी वर्षगांठ वर्ष 2047 पर पूरी दुनिया भारत के विकास पर गर्व करेगी जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वह माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है और आज हम लोकतंत्र के स्वर्ण काल में जी रहे हैं। पहले लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ जाता था आज गरीबों के पेट में जा रहा है। कम लागत कम खाद व दवाई डालकर किसान नैनो यूरिया का प्रयोग अच्छी पैदावार कर सकते हैं। देश में गरीबों के आदमी कैसे बढ़े हर व्यक्ति कैसे खुश सभी को अच्छी शिक्षा बेहद चिकित्सा सुरक्षा अच्छी सड़कें खूब मोदी जी के ही संकल्प है। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने देश को विश्व की 10वें नंबर से अर्थव्यवस्था से उठाकर 4वें-5वें नंबर पर ला दिया है। इसी प्रकार योगी जी ने उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र के बाद पूरे देश की 9.2% की अर्थव्यवस्था के साथ 2वें नंबर पर ला दिया है जबकि गुजरात की अर्थव्यवस्था 8.2% है। इसके लिए उन्होंने माननीय मोदी जी एवं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा चल रही है उसमें आज सिद्धार्थ नगर के इस इलाके में आकर के मुझे भाग लेने का मौका मिला। भनवापुर ब्लॉक में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इस यात्रा को लेकर के एक जन सैलाब आप लोगों ने देखा है स्वयं की आंखों से कि हजारों लोग इसके लिए यहाँ इकट्ठे थे। इसकी जो मूल भावना है कि देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाना है विकसित बनाना है लेकिन वो बनाने की प्रक्रिया में इसकी जो शुरुआत है वो गरीबों के आंसू पोंछने से करनी है पिछड़ों को सहारा देने से करनी है जो वंचित हैं उनको उनका हक दिलाने से शुरू करनी है और इसी दिशा में जिन गरीबों को मकान मिले हैं जिन गरीबों को योजनाओं का लाभ मिला है उनको प्रोत्साहित करते हुए जिनको नहीं मिल पाया है उनको उस विकास की कड़ी में जोड़ने के लिए सरकार की योजनाओं के यहाँ काउंटर लगाए गए हैं। ये सारे कार्यक्रम लोगों की खुशहाली में बढ़ोतरी करेगा किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करेगा और युवाओं की रोजगारी में बढ़ोतरी करेगा।